लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज 77वीं जयंती है। इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक बार फिर चिराग का दर्द छलका है। चिराग ने ट्वीट कर अपने दिवंगत पिता को याद किया और अपना दर्द साझा किया। बता दें कि रामविलास को गुजरे अब कुछ साल बीत चुके हैं, लेकिन रामविलास की मौत के बाद एक तरफ जहां उनकी बनाई गई पार्टी एलजेपी में टूट हो गई है, वहीं दूसरी ओर परिवार भी बिखर चुका है। रामविलास के मौत के इतने दिन बाद भी उनकी सियासी विरासत को लेकर उनके बेटे और भाई भतीजे में जंग जारी है। बता दें कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में रामविलास की कर्मभूमि हाजीपुर को लेकर चाचा पारस और भतीजे चिराग दोनों ताल ठोक रहे हैं। चिराग पासवान 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव जमुई से जीत कर सांसद बने, लेकिन चिराग पासवान अपना अगला चुनाव अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। यहां से वर्तमान में उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सांसद हैं और वो भी हाजीपुर से ताल ठोक रहे हैं। चाचा भतीजे की इस जोर आजमाइश ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि इस चाचा भतीजे की लड़ाई को कैसे सुलझाए। देखने वाली बात होगी कि 2024 में रामविलास की कर्मभूमि हाजीपुर से कौन चुनावी रण में उतरता है और जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।